नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में खुश भी होंगे। थोड़ा बिजी, थोड़ा हेक्टिक है डे, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, पूर्णिमा जो कि पड़ा है 21 जून को, और जो तिथि है वो है शुक्रवार की तिथि। और ऐसे ही शुक्रवार बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है अगर हम पूर्णिमा उस दिन पा जाते हैं, अगर पूर्णिमा मिल जाता है तो। अधिकतर आप देखेंगे कि इस साल जो है ना, बहुत सारी तिथियां जो है शुक्रवार के दिन पड़ी हैं, तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का शुक्रवार से ज़्यादा अच्छा दिन तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बात करूँगी क्या क्या ऐसे खास उपाय हैं जो पूर्णिमा के दिन आपको करने ही चाहिए, जिससे आपका बहुत सारा पैसा आपके घर पर आए, जिससे आपके लाइफ में आपको बेनिफिट्स देखने को मिले, जिससे ज़िंदगी में सब कुछ आप पा सकें जिसकी आप उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है उस दिन सुबह उठकर कैसे क्या करना है, नहीं करना है, एवरीथिंग मैं बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, लेकिन उसके पहले छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने और हमारे दोनों की यूट्यूब चैनल, फेसबुक या इंस्टाग्राम को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चीज़ें लाइफ में बेहतर हो सके। तो चलिए आज मैं बात करूँगी कैसे क्या करना है पूर्णिमा की तिथि जो कि समर्पित होती है माता लक्ष्मी को, और उस पर से अगर पड़े जाए पूर्णिमा का दिन तो उसमें सोने पर सुहागा। सवेरे उठकर जब भी आप घर पर पोछा लगाएं, गुलाब जल ज़रूर डालें, थोड़ी सी पीली सरसों अपने पानी में ज़रूर डालें, थोड़ा सा आप गौमूत्र ज़रूर डालें और फिर पोछा लगवाएं। हर एक रूम को पोछने के बाद ज़रूर से ज़रूर उस पानी को चेंज करके वापस से दूसरे रूम में पोछने के लिए कहें, ये ज़्यादा बेटर होता है। खुद से करते हैं तो खुद भी इस बात पर ध्यान ज़रूर रखिए। दूसरी चीज़, आपको आज के दिन जब भी आप नहाने जा रहे हैं, नहाने वाले पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और थोड़े से गुलाब जल डालकर ज़रूर नहाइए। आज के दिन गुलाब का इत्र का प्रयोग अपने घर के पूरे हर हर कोने में अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और मैंने इसके पहले मैजिक वाटर के बारे में आपको बताया था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी, आप ज़रूर देखिए। उस पानी को अगर आपकी ख़त्म हो चुकी है तो वापस से आप इस पूर्णिमा में तैयार कर लीजिए। क्या क्या डालना है? गंगा जल, गुलाब जल, रोज़ का इत्र, उसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ा सा काला नमक, मतलब सेंधा नमक जिसे हम कहते हैं, सेंधा नमक, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डालना है, डालने के बाद गौमूत्र डालना है, डालकर वो हो गया रेडी। घर के चारों तरफ स्प्रे करिए और करने से क्या होता है, पैसे आते हैं। अब ये तो आप ही बताएंगे कि होता क्या है इसको करने से, करके देखिए एक सप्ताह के अंदर क्या रिजल्ट आता है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये स्प्रे अपने अपने घर पर कर लिया। जब भी दीपक जलवाएं, माता लक्ष्मी के नाम का दिया 5 निकालेंगे, जिसमें आप थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, घी का दीपक होना चाहिए, थोड़ा सा गुलाब का इत्र उसमें डालेंगे, डालकर ईशान कोण में घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे जलाइए। नहीं है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नहीं कर सकते तो जहाँ पे भी पूजा स्थान है वहाँ पे ज़रूर जलाइए। आज के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल, कमल के फूल अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला ज़रूर अर्पण करें, ऐसा करने से भी ज़िंदगी में सुख समृद्धि की कमी नहीं हो सकती। अपने घर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन ज़रूर करवाएं या करें या सुन लें यूट्यूब में, और इसके साथ ललिता सहस्त्र नाम दोनों ही लगा दीजिए, दोनों ही सुन लीजिए, बहुत ही अच्छे परिणाम होते हैं इसके। इसके अलावा आज के दिन आप शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, चांदी के किसी भी बर्तन पर दूध को लेकर उससे अभिषेक करने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में अगर आप बैठते हैं, थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ या खुद भी अकेले रहते हैं, थोड़ा वस्त्र कम पहने, निर्वस्त्र तो नहीं बोलूँगी मैं, जितना शरीर में कपड़ा कम रहेगा, जितनी रोशनी को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा करने से मन भी शीतल होता है, ओवर थिंकिंग की जिसकी समस्या, जिसको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ही रामबाण की तरह कारगर उपाय है। इसके अलावा आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आप खीर ज़रूर बनाइए। खीर बनानेंगे आप यूज़ करेंगे चीनी के जगह पे धागे वाले मिश्री की यूज़ करेंगे, थोड़ा सा केसर डालेंगे उसमें और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मखाना डाल दीजिए और इससे आप खीर तैयार करके माता रानी को ज़रूर चढ़ाइए और कोशिश करिए हर शुक्रवार को खीर ज़रूर बनाए। ऐसा करने से, और उस खीर को आप बच्चों में भी बांट सकते हैं, खुद भी घर में लोग खाएँ, और जितना ज़्यादा वितरण करके अगर खाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये काम आप ज़रूर करिए। इसके अलावा आज के दिन आपको किसी भी तरह से किसी भी पीपल के वृक्ष में सुबह के समय 9 बजे से पहले मीठा जल अगर आज अर्पित करते हैं, कहा जाता है कि हर पूर्णिमा में माँ जो है, लक्ष्मी माता जो है, वो पीपल पर आती हैं विष्णु जी से मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर मीठा पानी चढ़ाइए, एक घी का दीपक भी वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होती है।
आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्ते का तोरण या आम के पत्ते का तोरण जरूर लगाएं। फिर उसको 1 वीक, जब भी वो सूख जाए तो आप उसको चेंज कर लीजिए या हटा दीजिए। आज के दिन अगर आप किसी भी तरह से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सफ़ेद मिठाई खिलाते हैं, दान करते हैं, तो इससे आपके जितने पैसे हैं वो पैसे आना शुरू हो जाते हैं। मार्केट में अगर पैसे गिरे हुए फंसे हुए हैं तो वो निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा कर्ज है तो आज बजरंगबली की भी पूजा ज़रूर करिए और आज चमेली का तेल का दीपक बजरंगबली को ज़रूर निकालिए। उनको मीठा पान ज़रूर दीजिए बिना चूना लगा हुआ। ऐसा करने से आपकी कर्ज जो है वो बहुत शीघ्रता ही उतरना शुरू हो जाता है, पैसे आना अरेंज होना शुरू हो जाता है। आज के दिन मोर पंख लीजिए, उसको अच्छे से गीठ मार लीजिए मौलसुता से। जो भी लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिका है, जिसको शादी करनी है ऐसा आपने सोचा है, आप लोगों में प्यार बढ़ाना है, तो ऐसा मोरपंख 5 के बंच में अपने लवर का नाम लेके या जिसे आप चाहते हैं उसका नाम लेके, हस्बैंड वाइफ भी दूसरे के लिए कर सकते हैं, करके किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाके दान करके चले आइए, देख कर चले आइए, रख के चले आइए। ऐसा करने से प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आज के दिन परफ्यूम का यूज़ ज़रूर करें, सफ़ेद कपड़े ज़रूर पहने, वाइट कपड़े पहनेंगे, वाइट चीज़ों का दान करेंगे, वाइट मिठाइयाँ बच्चों को खिलाएंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। आज कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ भी गिफ्ट करे इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है, क्योंकि एक तो पूर्णिमा का दिन है, उसके बाद ये शुक्रवार का दिन है। हस्बैंड्स को चाहिए वाइफ को कुछ भी चांदी का सामान संभव है तो ला के दीजिए, नहीं तो फिर आप जैसा आपके सामर्थ्य, कुछ नहीं सकते तो एक फूल का गजरा ला के उनको दे दीजिए, कुछ भी दीजिए। करने से ये बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देता है, पैसों की बरकत होती है घर पे, सुख समृद्धि आती है घर पे। आज के दिन गंगा जल को लेकर, गुलाब जल को लेकर पान के पत्ते से पूरे घर पर छिड़काव करेंगे तो इसके 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा आपकी ज़िंदगी। यकीन नहीं आता, इन उपायों को करिए, रिजल्ट्स कैसे होते हैं ये ज़रूर देखिए और कमेंट में जय माता दी लिखना हरगिज़ ना भूलें। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।